तौबा तौबा एडा हुसन महीदा जिदी झाल जली ना जावे। दो बच्चे इक्के प्यो दे दोवां दी उम्र छे छे साल एक तालिब इल्म नूं बाप ने मसीती भेजिया मदरसे दे अंदर कारी सजाद साहब दे कोल और एक नूं प्यो स्कूल भेजिया। चार साल तों बाद उन्हां दोवां भाइयां नाल मेरियां मुलाकातां होईयां। जिहड़ा स्कूल गया सी मैं कहा पुत्तर तू कित्थे पहुंचे, पहले टी जी ते के जी ते पी जी ते पता नहीं किहड़ियां किहड़ियां जीआं। मैनूं याद है अलामा साहब मैं टू क्लास पे पहुंचाऊं, मैं कागज़ ते कलम उहदे सामने रखिया, मैं आखिया अपना ते अपने अब्बे दा मैनूं नां लिख के विखाओ। बच्चा अपने अब्बे ते अपना नां नूं सही मैनूं लिख के ना दे सकिया ते जिहड़ा मदरसे दे अंदर आया। चार साल बाद मैं उहनूं आखिया बच्चिया तू कित्थे पहुंचे, उन्हें आखिया अलहम्दुलिल्लाह 7 मंजिलां 14 सजदे 858 रकू 114 सूरतां 6666 आयतां 1271 मद्दां 1774 शद्दां और 3,21,250 हरूफ मेरे सीने में है और मैं कुरान का हाफिज बन गया। मेरी मां ने मेरे बाप ने सानू सारे भाइयों किसी मदरसे नहीं जान दिता, आपू पढ़ाया है। मेरी मां मैनू कहंदी सी पुत्र बंदा दुइयां दुकानां तो सौदे तां जाके लैंदा है, अपनियां दुकानां खाली होवन। मैं भी हाफिज आवां, तेरा बाबा भी हाफिज है, मैं भी पढ़ावांगी, तेरा अब्बा भी पढ़ाएगा। फिर अल्लाह ने मैनू इज्जत अता की, 18 पारे मैनू वालदा ने पढ़ाए और 12 पारे मैनू वालिद ने पढ़ाए। अज 30 साल तो बाद मैं मस्जिद के अंदर कुरान सुनाना, मेरी मां घर बह के सुनती है, मेरा वालिद मेरे पिछे खड़े होके कुरान सुनता। दस मैं भुखा मर गया, अल्लाह ने वो इज्जत अदा की जड़ी लोग सबर भी नहीं कर सके। मेरे छोटे भाई सेनेट में कारी है, वजीर आजम की तकरीर तू पहले उन्होंने तिलावत में करो, प्राइम मिनिस्टर तकरीर बाद में करता है, वो तिलावत करते हैं सेनेट में पार्लियामेंट में, इजलास से पहले वो कुरान पाक की तिलावत करते हैं। लेकिन मैं कसम खुदा नहीं आखना पाया, मेरे छोटे भराऊ किसी जगह से तजवीद नहीं पढ़ी। मिस्र अल काहिरा इजिप्ट में जामियातुल अजहर में जाके उसने शेख अल अजहर के सामने दो सूरतें पढ़ी हैं, उसने सनद कट के दे दी, उसका क्या पुत्र ले जा। किसे मदरसे उस तजवीद पढ़ी पढ़ी मैं जान छोटा मड़ा, वालिद ने पढ़ाया, वालदा ने पढ़ाया। अल्लामा इकबाल आखदे ओ भैणे तू पुत्र नूं पुत्र बन के बेटा समझ के ते कुरान दियां लोरियां देवेंगी ना, ते पुत्र दा सर नेजे ते चढ़ के भी कुरान पाक पढ़ सकदा। ठंडे बोले हो, एक बारी मैं फिर मौका देने लगा तो सुभान अल्लाह ना मेरे को टाइम काटी, अल्लाह ना ना ही मेरे फिक्रे नू सट्टी नहीं। अल्लामा इकबाल आखदा है मावां ते पैणा नू, मावे तू मां बन के बच्चे नू कुरान दी लोरी देवेंगी ना ते तेरा बच्चा हुसैन दी सीरत वाला बढ़ेगा, सर नेजे पे चढ़ जाएगा और कुरान की तिलावत कर रहा होगा। ते बहन बन के अपने वीर नू जदू कुरान दी लोरी देवेंगी ते तेरा वीर उमर बिन खत्ताब दी सीरत वाला बन जाएगा। अज फलस्तीन दे मजलूम मुसलमानों दा के हाल है, अज असी जवाल पजीरा असी इज्जतदार नहीं हाँ, अज फीडर पीण वाले बच्चों से यह जड़ियाँ बंबारियां हो रही ने अस अजी इज्जतदार नहीं हाँ, असी जिल्लतदार हाँ। हाँ हाँ परमा दे अंदर मेरिया मावं बहणा दियाँ इसमतों ना लुटना, यह मुसलमाना की इज्जत नहीं जिल्लत है। कश्मीर के अंदर नौजवानों के सरां नूं कट के ते झील के अंदर सट देना, यह इज्जत नहीं हाँ जिल्लती। दरियाए दजला के किनारे मुसलमाना के सर कट के उन्हें पेट्रोल भर के अग ला के यूट्यूब
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਣੀਆਂ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਿਲਤੀ ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 50,000 ਫਲਸਤੀਨੀ ਮਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਓਏ ਓਏ ਮਾਂ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਅਗਰ 10 ਮਿੰਟ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਮਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਸਬਰ ਕਿਹੜੇ ਤਰੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 15,000 ਕਫਨ ਫੀਡਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਫਨ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਫੀਡਰ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਫਨ ਪਾ ਲਿਆ ਏ ਓਏ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਓ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਦਫਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਕਮੀਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸੱਲਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਇਹ 23 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਪਰੇਡਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਬੰਮ ਅਗਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਤੇਰੇ ਜ਼ਰਾਰ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਟੈਂਕ ਅਗਰ ਬੈਤੁਲ ਮਕਦਸ ਮੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਿਆ ਨਾ ਫੰਡ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਚੂੜਿਆ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇ ਮੌਤ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇਗੈਰਤ ਦੀ ਇਹ ਯਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸੰਗ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਯਾਰ ਮੁਰਗੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਾਗ ਸਰੋਂ ਦਾ ਚੰਗਾ।